नमस्कार दोस्तों दोस्तों आइए देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने हमको कमेंट्स में किया है, लिखा हुआ है कि सर इस टाइप के प्रश्न का कोई ट्रिक बना दीजिए। तो दोस्तों आइए आज इसका मैं सुपर फास्ट ट्रिक आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर शिक्षा को आसान बनाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथ और रीजनिंग इतनी आसान लगने लगेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इस टाइप से प्रश्न जब बनता है तो क्या करते हैं। क्लियर, मैं तीन टाइप के प्रश्न आपको दे रहा हूं। बस दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि हमारा वीडियो स्टार्टिंग टू लास्ट तक देखा करिए, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों मेरा वीडियो तो चल ही जाएगा लेकिन जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो आपको सिखाना चाहता हूं, अगर वो चीज आपको जानना है तो दोस्तों स्टार्टिंग टू लास्ट देखिए, इसके बाद कमेंट्स करिए और लाइक करिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें तीन टाइप के प्रश्न हम आपको बताएंगे। दोस्तों 1 से 21 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 21 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? दूसरा 1 से 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तीसरा 1 से 21 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? कहने का मतलब है कि कोई भी एक्स एंड वाई, कोई भी दो संख्या ले ले स्टार्टिंग और लास्ट, कहेगा एक्स और वाई के बीच कितनी जो भी प्राकृतिक संख्या है उनका योग क्या होगा। तो दोस्तों एक तरीका है कि आप जनरल तरीके से करें, जैसे हम आपसे पूछ लें कि 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों 1 से और 10 के बीच अगर पूछा गया है तो क्या होगा? 2 होगा 4 होगा 6 होगा और 8 होगा। तो हमें सिर्फ यही संख्याएं जोड़नी होंगी, यही संख्याएं हमको जोड़नी होंगी। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 8 2 10, यानी कि टोटल 20 सही आंसर हो गया। लेकिन जब ये बहुत बड़ी संख्याएं दे देगा x एवं y के बीच में, तब कैसे हम निकालेंगे? तो दोस्तों उसके लिए ट्रिक देखिए ध्यान से, जनरल तरीका भी बताऊंगा। कह रहा है 1 तथा 21 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है, उसको ध्यान से समझिए। एक्स एवं वाई के बीच में, एक्स एवं वाई कोई भी संख्या हो सकती है, एक्स और वाई कोई भी संख्या हो सकती है, एक्स एवं वाई के बीच में आने वाली सभी सम तथा विषम संख्याओं का योग, मतलब कोई भी एक्स वाई दो संख्याएं होंगी, जैसे यहां पर 121 के बीच में पूछा गया, कभी आपसे 15 से 85 के बीच में पूछा जा सकता है, कभी आपसे 100 से लेकर के 400 के बीच में पूछा जा सकता है, तब हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से, प्रथम संख्या से छोटा सम या विषम संख्या, प्रथम संख्या से छोटा सम या विषम संख्या लेना है और भागे 4। देखिए मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, यहां पे ध्यान से समझिए। दोस्तों पहले में कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 20 और फिर कितना 21। अब दोस्तों कह रहा है एक तथा 21 के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं उनका योग आप हमको बता दीजिए। तो इसके बीच में जो भी संख्याएं हैं उन्हें जानने के लिए हमने क्या बोला? अंतिम संख्या। तो दोस्तों बताइए अंतिम संख्या सम कौन सी है 21 के बीच में और इसके बीच में? 20 है। तो हमने यहां पर क्या रख दिया? 20 रख दिया। और प्लस प्रथम संख्या, दोस्तों प्रथम संख्या कौन सी है? यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया? 2 रख दिया। इनटू अंतिम संख्या, अंतिम संख्या दोस्तों कितनी है? 20 है। माइनस प्रथम संख्या से छोटा सम, अगर सम पूछा है तो सम और विषम पूछा है तो विषम, तो प्रथम संख्या से छोटा विषम, तो प्रथम संख्या दोस्तों यहाँ पर 2 है, प्रथम संख्या सम क्या है? 2 है। और 2 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 0। तो दोस्तों 0 एक सम संख्या होती है, याद रखिएगा 0 एक सम संख्या होती है। अब यहां से अब इसको हम 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो
तो दोस्तों इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इनटू इसमें से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, तो इसको जब कर देंगे तो दोस्तों 440 और बटे 4, तो इससे जब हम काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 110। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कहने का मतलब है यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर। 1 से लेकर के 21 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग 110 होगा। क्लियर दोस्तों? अब इसे आप जनरल तरीके से भी निकाल लीजिएगा। जनरल तरीके से हमने एक आपको क्वेश्चन बताया है एडिशन ऑफ ला, तो एडिशन ऑफ ला का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख लीजिए, वहां से आपको एडिशन ऑफ ला, कोई संख्या नेचुरल नंबर कैसे जोड़ी जाती है, सम संख्या कैसे जुड़ती है, विषम संख्या कैसे जुड़ती है, उनके वर्गों का योग कैसे जुड़ता है, उनके घनों का योग कैसे जुड़ता है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप दोस्तों देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पहले वाले का जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 110। क्लियर? अब दोस्तों इसी में हम आपको दूसरा दिखा देते हैं। दोस्तों अगर आपको समझना है तो वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी उस समझने के लिए। हमारी दोस्तों वीडियो तो चल जाएगी लेकिन आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टार्टिंग टू लास्ट समझने की कोशिश करिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि YouTube पे जितना मैं कोशिश कर रहा हूं या जितना मैटर मैं दे पा रहा हूं उतना कोई दूसरा टीचर नहीं दे रहा है दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो दोस्तों हमारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, मैं आपको तभी कायदे से पढ़ा पाऊंगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों अब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और डॉट 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 अगर हम चलेंगे तो क्या आएगा, पहले इसके मान लीजिए 20 और 21। अब हमको दोस्तों किसके किसके बीच चाहिए, इसके और इसके बीच में चाहिए, तो अब हम फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। बताइए दोस्तों अंतिम संख्या क्या होगी इस बार, इस बार अंतिम संख्या हमारी 19 होगी, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 19 रख दिया। और दूसरा क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, दोस्तों प्रथम संख्या क्या होगी यहाँ पर इस समय 3 होगी, प्रथम संख्या क्या होगी 3, क्योंकि हमें 1 के बीच में लेना है, तो प्रथम संख्या हो गई 3। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है, इनटू अंतिम संख्या कितनी है 19 माइनस प्रथम संख्या से छोटा विषम संख्या, तो प्रथम संख्या से छोटा विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 और डिवाइडेड बाई दोस्तों कितना कर देंगे, 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। करके देख लीजिए इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 20 21 22 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 इंटू कितना 18 भागे कितना 4, और इसको हम जब काट देंगे तो दोस्तों सीधे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 नवा 18 और 99। यही दोस्तों क्या हो गया आंसर। 1 से लेकर के 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग 99 होगा दोस्तों। क्लियर? एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं 121 के, मैंने ये इसलिए लिया हुआ है, आप इसको 1 से 12 भी ले सकते हो, 18 मैंने इसलिए लिया है समझाने के लिए। तो दोस्तों 121 के बीच सम संख्याओं का योग 121 के बीच, विषम संख्याओं का योग 121 के बीच, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अब हम आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं। ये तो दोस्तों हमारा था x एवं y के बीच में आने वाली सभी सम संख्याओं का योग, अब हम आपको बताएंगे दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आइए देखिए, आइए दोस्तों एक इसका और देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, 1 से 21 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, या कोई भी दो संख्याओं के बीच कोई प्राकृतिक संख्या पूछ ले, किसी भी दो संख्याओं के बीच, तो उसके लिए ये ट्रिक लगा दीजिएगा। देखिए क्या है ट्रिक, x एवं y के बीच में आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से एक कम, प्रथम संख्या से एक कम बटे
दो। जैसे इसको देखिए 1 से 21, तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 या इसे प्लस करना है, योग बताना है तो योग का चिन्ह लगा लो, तो क्या हो जाएगा 1+2+3+4+5+... यहाँ पर दोस्तों 20 और यहाँ पर 21। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसके और इसके बीच में चाहिए दोस्तों, क्लियर। यानी कि हमें 2 से लेकर के और कहां तक चाहिए, 20 तक की संख्या चाहिए, ये दो संख्याएं हमें नहीं चाहिए। तो क्या कह रहा है, 1 से 21 के बीच की सभी सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए तरीके तो बहुत हैं दोस्तों, लेकिन जनरल तरीका देखो कैसे ट्रिक्स लगाएंगे। अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या दोस्तों यहां पर कितनी है इस समय, 20, तो यहां पर हम क्या रखेंगे 20 प्लस प्रथम संख्या। बताओ प्रथम संख्या क्या होगी, यहां पे 2 होगी ना, इसके बीच में पूछा है तो प्रथम संख्या 2, फिर यहां पर इनटू अंतिम संख्या कितनी है 20 माइनस प्रथम संख्या से एक कम, तो इसकी प्रथम संख्या कितनी है 2, और 2 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और अपान नीचे दोस्तों क्या करना है 2 से भाग दे देना है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए देन आंसर, तो इसको जब करेंगे तो दोस्तों ये 20 2 22 हो जाएगा, इनटू इसमें से घटेगा तो ये क्या बचेगा 19 बचेगा, और यहां पर 2 से हम भाग देंगे, और 2 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 1 1 11 बचेगा, और अब यही 11 को हम क्या कर लेंगे 19 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 19 × 11। तो जब हमने जानते थे 11 से हमने आपको बताया था ये 9 का 9 उतर जाएगा, और इसको जब हम जोड़ेंगे और एक इधर आ ही जाएगा 1, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना होगा 10 की कितनी हो जाएगी 0, और एक कैरी और इस पे चली जाएगी, 10 का है तो एक कैरी इस पे चली जाएगी। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 ये हो गया कैरी इस पे गई, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 209 होगा। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इन तीनों चीजों को आपने ट्रिक से समझ लिया होगा, क्लियर। और जनरल तरीके से अगर आपको जानना है तो इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि योग कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n+1/2। अब कोई पूछे लगातार विषम संख्याओं का योग, तो n × n+1। अगर कोई विषम संख्याओं का पूछ लेता है तो उसका मान होता है n2, क्लियर। तो वो सब आपको दोस्तों इसके वीडियो के लिंक में दिया गया है, वहां से आप देख लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों अपने मित्रों में शेयर करना है जिससे उन्हें भी शिक्षा बहुत आसान लगने लगे। दोस्तों कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमको एनर्जेटिक करते हैं और नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का अगर और भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो मुझे भेजते रहिए, जब भी मुझे समय मिलता है। देख लीजिए इतने टाइम में भी मैं लगा हूँ, रात के समय जो है 11:30 बज रहा है, तो जब भी दोस्तों टाइम मिलता है मैं आपके लिए वर्क करने उतर जाता हूँ। क्यों, आप लोग पढ़ जाएं या आप लोगों के लिए शिक्षा आसान बना पाऊं, इसीलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो जो वीडियो जिस टाइप से मैं बना के डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पे, कोई भी अपना पर्सनल मैटर नहीं देता, लेकिन मैं दोस्तों आपको सब कुछ अपना दे दे रहा हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। यही दोस्तों मेरा, यही मेरी सपना है और यही मेरा सोच है। तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए, जो भी क्वेश्चन है उसको पूछिए, और मैं आपको जल्दी जल्दी नए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।